जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर सीविजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की कार्य प्रणाली एवं गुणवत्ता को परखा। सीविजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता से जुड़ी 10 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनका समयबद्ध निस्तारण करा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सीविजिल ऐप नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े प्रकरणों की शिकायत करने के लिए सशक्त करता है और इसमें शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान है। कोई भी नागरिक सीविजिल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। यदि किसी नागरिक को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता दिखे तो ऐप में मौजूद कैमरे से तस्वीर खींचनी होगी। जीपीएस कैमरे से लैस सीविजिल ऐप से मौके की रियल टाइम तस्वीर, वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए चुनाव आयोग ने 100 मिनट की समय अवधि निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि जनपद में बरहज, देवरिया सदर, पत्थर देवा, रुद्रपुर एवं रामपुर कारखाना से पोस्टर बैनर से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका निस्तारण करा दिया गया। अभी तक प्राप्त सभी शिकायतों के निस्तारण की औसत समय अवधि 62 मिनट है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद वासियों से सीविजिल ऐप के अधिक से अधिक उपयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सीविजिल ऐप डिजिटली सशक्त व जागरूक मतदाता की पहचान है। कंट्रोल रूम प्रभारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत रॉय से अब तक प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त किया एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। इस दौरान CDPO दयाराम सहित विभिन्न अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे। इस इलेक्शन में माननीय आयोग के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है, जिसको हम लोग सीविजिल ऐप बोलते हैं। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एक कॉमन वोटर को इस बात के लिए फैसिलिटेट करता है कि जहां कहीं भी MCC वायलेशन हो रहा है, उस वायलेशन को वो रियल टाइम फोटो और वीडियो कैप्चर करके अपने मोबाइल से इस ऐप पर अगर अपलोड करता है तो उसको तुरंत टीम संज्ञान में लेती है। माननीय आयोग के निर्देशानुसार इस शिकायत के प्राप्त होने के 100 मिनट के अंदर उसका निस्तारण किया जाता है। जनपद देवरिया में ये एक ऐप जो है फंक्शनल है। अभी तक हमको जो है कुल जो है 10 शिकायतें सीविजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, जिसमें से सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। औसत समय जो कि 100 मिनट है, हम लोगों ने औसतन उसको 65 मिनट में हर शिकायत का निस्तारण किया है यहाँ पर। और अभी तक जो 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभाओं में जैसे पथरदेवा है, रामपुर कारखाना है, देवरिया है, रुद्रपुर है, इन विधानसभाओं से हमको इससे संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसका हम लोगों ने तत्परता से निस्तारण किया है। तो आज इस बाइट के माध्यम से मैं समस्त देवरिया जनपद के मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि सीविजिल ऐप का अधिकाधिक प्रयोग करें, ताकि इस चुनाव में इस ऐप के माध्यम से जो एक पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराने की आयोग की मंशा है, उसमें हम सफल हों। इसके अतिरिक्त जनपद में विभिन्न शिकायतों के लिए हम लोगों ने विभिन्न कंट्रोल रूम नंबर भी इशू किए हैं, जिसमें आयोग का एक टोल फ्री नंबर जो कि 1950 है वो फंक्शनल है। इसके अतिरिक्त 3 नंबर और हैं, जिसमें देवरिया का कोड है जैसे 5568-2221, दूसरा नंबर है 5568-2253-51 और तीसरा नंबर है 5568-2972।